भारत सरकार ने आपराधिक न्याय संहिता 2023 के जरिए भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून में बदलाव किए हैं। ये नए कानून 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। कानूनों में बदलाव को लेकर पीआईबी ने भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 3 नए कानून में बदलाव किया गया है, जिसमें तय समय सीमा में 3 वर्षों के भीतर न्याय करना होगा। ऐसा होने पर फरियादी को तारीख पर तारीख के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 35 धाराओं में समय सीमा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दर्ज होने पर 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करने का प्रावधान है। यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट, पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान है। नए आपराधिक कानून दंड केंद्रित नहीं, न्याय केंद्रित रहेंगे। छोटे मोटे मामलों में सामुदायिक दंड का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में भी संशोधन किया गया है। अब महिलाओं एवं बच्चों के संबंधित अपराध प्राथमिकता से दर्ज किए जाएंगे। आज पीआईबी के द्वारा एक वार्तालाप यहाँ पर आयोजित किया गया था, जो नए हमारे 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इस वर्कशॉप में पूरी चर्चाएं जो कि मेजर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या किस तरीके से न्याय जल्दी मिल पाएगा और किस तरीके से विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के अंतर्गत इसमें कार्यवाही की जाएगी, 0 FIR, EFIR को किस तरह से कोडिफाई किया गया है नए कानूनों में, और ट्रायल इन एब्सेंशिया जैसे जो बड़े चेंजेस आए हैं जिनसे बहुत ही व्यापक चेंजेस आएंगे हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें, उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई थी। इन तीनों नए कानूनों का सबसे पहला तो मेन उद्देश्य ये है कि जो 164 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता चली आ रही थी और इतना परिवर्तन हो गया था, उस परिवर्तन को एक डिजिटल रूप में चेंज करते हुए कानूनों को सुलभ, त्वरित न्याय दिलाया जाए और पीड़ित केंद्रित रहे न्याय। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।